हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ नया रिक्रूटमेंट। आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ मेट्रो रेलवे की तरफ से ऑफिशियली रिक्रूटमेंट की अपडेट जो पब्लिश हुआ है उसी के बारे में। रेलवे रिक्रूटमेंट 2023 में होने जा रहा है मेट्रो रेलवे में। तो आज कौन सी मेट्रो रेलवे में ऑफिशियली रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी किया गया है, किस तरह से आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो, सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताएंगे। पूरा वीडियो जो है लास्ट तक देखिएगा। अगर कोई कैंडिडेट इंटरेस्टेड है डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए देख लेते हैं आज की ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दोस्तों जैसे कि देख सकते हो मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि है मध्य प्रदेश मेट्रो रेलवे की तरफ से, जिसमें बहुत सारे वैकेंसीज लेके इस बार रिक्रूटमेंट किया जा रहा है जो कि है जॉइंट जनरल मैनेजर, सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, डिप्यूटेशन और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, बीएससी और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग में कंप्लीट करने के बाद ही आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड एप्लीकेंट शुड हैव एक्सपीरियंस इन ट्रेन ऑपरेशन, तो देख सकते हो। उसके बाद सेकेंड पोस्ट भी यहाँ पे दिया गया जिसका बीई बीटेक क्वालिफाइड कैंडिडेट चाहिए, डोमेन सिविल एंड सब डोमेन ट्रैक के लिए जो कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते बीई और बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। मैनेजर के लिए भी सेम रहने वाले हैं, मेंटेनेंस के लिए आईटीआई क्वालिफाइड कैंडिडेट चाहिए, सुपरवाइज़र के लिए बैचलर डिग्री चाहिए, सुपरवाइज़र के लिए यहाँ पे देख सकते हो सिस्टम सब डोमेन बहुत सारे पोस्ट है। यहाँ पे सैलरी की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 20,000 से 90,000 तक सैलरी आपको दिया जाएगा। अभी आपको बताऊँगा फॉर द एप्लीकेशन करने के लिए मैक्सिमम जो एज लिमिट चाहिए उनके लिए, तो मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो है 60 ईयर्स तक मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है फॉर ऑल कैंडिडेट जो कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं। मैक्सिमम 60 ईयर्स तक आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन करने के लिए एमपी मेट्रो रेलवे की ऑफिशियल लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है एप्लीकेशन करना चाहते हो डेफिनेटली उसको चेकआउट करना एंड वहाँ से एप्लीकेशन आपको भेज देना। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन कर रहे हो तो किस तरह से करना है। तो कैंडिडेट को पहले ही यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया रखा गया है उसको एज इलेक्शन भी दिया जाएगा अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो। और सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात किया जाए ओनली ऑन इंटरव्यू के ऊपर बेस करके सिलेक्शन किया जाएगा। एप्लीकेशन करने के लिए mponline.gov.in में जाके आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। और यहाँ पे एप्लीकेशन करने के साथ साथ अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हो तो पूरा जानकारी भी यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए ऑनलाइन में एप्लीकेशन करना होगा। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो तो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होना चाहिए, जैसे कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, आपका वोटर कार्ड, आधार कार्ड, एक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, सब कुछ लेके आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करना होगा। एमपी मेट्रो रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा एंड वहाँ से आपको एप्लीकेशन कर देना होगा। एप्लीकेशन करने के लिए 172 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा फॉर जनरल एंड एस ओबीसी, बाकी कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं चाहिए। तो यही था आज की वीडियो। अगर पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।